सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरा इंडिया से जो कॉरियर है वो आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा कितना चार्ज लगा और कैसे मैंने मंगवाया माल्टा में, इंडिया टू माल्टा कैसे आया और कितने दिन लगे, पूरी डिटेल बताऊंगा। जो भी भाई मेरे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो चलो गाइस ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस जो मेरा कोरियर है इंडिया से चार दिन लगे हैं आने के लिए, अभी माल्टा में पहुंच चुका है और मेरे को जो उसकी ईमेल है वो आ चुकी है। फेडेक्स से जो कोरियर था वो करवाया था मेरा जैसे की था, बट जब एयरपोर्ट वाला मेरा ईमेल सेंड करा उन्होंने मेरे को उसका जो पैसा भरने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मैंने उसका पैसा भरा है। ईमेल मैं आपको दिखाता हूँ, ईमेल का जो मैं स्क्रीनशॉट है वो मैं इसमें लगा दूंगा वीडियो में। तो गाइस यूरोप में जो है वो कस्टम चार्ज लगता है, वो चार्ज मेरे को पड़ा है 6 यूरो चार्ज पड़ा है कस्टम का, और जो फ़ी लगती है रिसीव करने की ये जो फ़ी लगती है वो पूरे यूरोप में ही लगती है, वो पड़ी थी 14 यूरो समथिंग, तो वो सबको ही देनी पड़ती है। बट जैसे मेरा सामान था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि मेरे को क्यों चार्जेस पड़ रहे हैं कस्टम चार्जेस, मेरा तो ओल्ड सामान है, मेरा की है ओनली। बट फिर उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं उसमें क्लॉथ भी भेजे हैं, तो ये जस्ट सरप्राइज़ हो गया मेरे लिए कि हाँ क्लॉथ भेजे हैं घर से। तो उसका जो कस्टम चार्ज मेरे को देना पड़ा, मैंने रिक्वेस्ट की थी बट उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं ये पॉलिसी है कस्टम चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसको ऑनलाइन पे किया। अगर आप ऑफलाइन पे करते हो इन द कैश ऑन डिलीवरी अगर आप पे करते हो वो जो उनका फ़ी है तो आपको 10 यूरो एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा उस चीज़ का। तो बेटर ये है कि आप जो आपको ईमेल आएगी उस पर लिंक आएगा, क्लिक करके जैसे उस पर ऑनलाइन पे करना है अपने कार्ड डिटेल डाल के, और कुछ भी नहीं है। बाद में आपको एक ईमेल आएगी कन्फर्मेशन की हाँ आपका पेमेंट हो गया है। बाद में फिर उसके नेक्स्ट डे आपको जो आपका कोरियर होगा वो आपके हाउस में आ जाएगा। अभी मेरा कोरियर आने वाला है तो अभी मैं देखता हूँ कब तक आने वाला है, जस्ट मैं उसी का ही वेट कर रहा हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने अपना कोरियर रिसीव कर लिया है फेडेक्स से, ये आप देख सकते हो ये है फेडेक्स से जो कोरियर आया है मेरा। कितना वेट है इसका मैं आपको बताता हूँ, ये जस्ट 1 किलो का है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटा जैसा है। बाकी इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या निकलेगा, क्या क्या कपड़े भेजे हैं। टी शर्ट्स वगैरह है इसमें 3-4 पीस, बाकी खोल के ही पता लगेगा कैसी कैसी टी शर्ट है, आपको दिखाता हूँ मैं। और बाकी इसमें मेरा की था जो बहुत ही अर्जेंट था, जब मैं इंडिया विज़िट पे गया था तब उस टाइम मैं अपनी जो की है इस फ्लैट की तो वो मैं इंडिया में भूल गया था, तो इसलिए जो मेरे को ये कोरियर करवाना पड़ा यही एक रीज़न है कि कोरियर करवाना पड़ा। तो फटाफट जल्दी से कोरियर को खोल लेते हैं और कॉल लगाते हैं अपने घर में भी, तो उनका रिएक्शन भी देखते हैं कैसा है। तो गाइस ये है कोरियर और ये है मेरे साथ फ़ोन पे, तो देखते हैं खोल के क्या है फटाफट से। तो भाई अभी फाड़ लिया है कोरियर को, ये क्या है, ये है मेरा एड्रेस और ये है घर का एड्रेस, तो इसको फटाफट से अभी फाड़ लेते हैं। मेरे को सीज़र, चल छोड़ो सीज़र क्या करना है। हाँ आपको लेट हो रहे हैं, आप जल्दी जल्दी क्यों खोल रहे हो? तो गाइस ये है एक टी शर्ट, दूसरी है ये है चाबी, साला इसके चक्कर में इतना नुकसान हो गया है बहुत ज्यादा, यही है ना वो, यही है
साला इसके चक्कर में बहुत नुकसान हुआ है गाइस, मेरा 100 यूरो का चार्ज हो गया इसके चक्कर में। तो ये है थर्ड टी शर्ट, तो ये है फोर्थ टी शर्ट। तो इसमें से जो मुझे अच्छी लगी है वो है ये अच्छी है, और ये भी अच्छी है, इसका स्टफ भी अच्छा है। और ये तो ऐसे घर में डालने के काम आ जाएगी। और ये भी खाली ऐसे इधर उधर डालने के काम आ जाएगी। सर साइज आ जाएगा आपको? साइज बहुत बड़ा है, अच्छा है। हाँ सब साइज आ जाएगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं आना कि टाइट तो नहीं रहेगा। नहीं, एक्सेल साइज है, सब आएगा। हाँ? सब टी शर्ट में से ये ज्यादा अच्छी है, ये वाली। ये वाली और जो ग्रे वाली है ना, जो ग्रे है। हाँ। जो ग्रे है, ग्रे निकालो, व्हाइट नहीं, ग्रे, ये वाली। ये दोनों मैंने जो है ट्रेंड्स से ली है आपके लिए, ये दोनों कॉस्टली है। गाइस ये आपको मैंने सामान दिखा दिया है अभी जो मैं लेके आया हूँ, जो मेरे को मतलब इंडिया से आया है। ये चार टी शर्ट है, और जो मेरा की है मेन ये की का लफड़ा था। और इसका जो मेरे को चार्ज पड़ा है यहाँ आने का, उसका मैं आपको बताता हूँ। ये चार्ज मेरा कितना पड़ा था इंडिया से, मेरे को इंडिया से 5,200 रुपीज़। तो इंडिया से जो कोरियर चार्ज पड़ा था वो 5,200 रुपीज़ का था इंडिया से चार्ज इसका कोरियर का। और यहाँ आके पड़ा है मेरे को 20 यूरो इसका जो चार्ज पड़ा है रिसीव करने का कोरियर। तो गाइज आप माल्टा में जैसे आप आओगे तो आपको ये चार्ज पड़ेगा ही पड़ेगा, जैसे आप मंगवाओगे कुछ भी हो डिलीवरी, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, कहीं से भी अगर आपकी डिलीवरी आएगी तो आपको चार्ज पड़ेगा ही पड़ेगा इस चीज़ का। और दूसरा जो है यूरोप में मतलब पड़ेगा, क्योंकि मैंने मेरा एक फ्रेंड है स्पेन में, तो मैंने स्पेन में कॉल किया था, तो उसको भी जो रिसीविंग का चार्ज पड़ा था, कस्टम चार्ज पड़ा था, वो उसको देना पड़ा था रिसीव करने से पहले। फिर मैंने कनाडा में पता किया, तो कनाडा में फ्री है ये। और यूएसए में भी अगर आप कुछ भी डिलीवरी भेजते हो तो यूएसए में भी फ्री डिलीवरी है, आपको कुछ वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ये मेरे को जो फ्रेंड ने बताया है वो मैं आपके साथ न्यूज़ है वो शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज अभी मैं इस की को अपने लैंडलॉर्ड को दूंगा, लुटाऊंगा, क्योंकि वो नहीं तो बोल रहा था मेरे को डोर के लॉक है जो वो चेंज करवाने पड़ेंगे, बट अभी डोर के लॉक चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं, अभी की आ गई है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है जो ये कोरियर है मेरे को यहाँ पे, क्योंकि 20 यूरो यहाँ पे किए, फिर 5,000 वहाँ पे किए, फिर जो सामान ख़रीदा इन्होंने, कपड़े ख़रीदे, उसके जो चार्जेस थे वो अलग से पे किए, तो आप समझ सकते हो कि कितना कॉस्टली पड़ गया। अगर ये चीज़ें मैं यहीं पे ही करवा लेता, अगर ये जो की है इसकी कॉपी बनवाता तो मेरे को सस्ती पड़ती। बट तो गाइस ये है वन टी शर्ट, आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। ये इधर से भी प्लेन है, तो सेकंड वाली ये है कॉटन की है, तो थर्ड वाली ये है, मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लगी है, इसका जो स्टफ़ है वो अच्छा है, हैवी भी है। आपको बताएं आपको कौन सी अच्छी लगी। ये है फोर्थ वाली टी शर्ट, इसमें दोनों साइड पेंटिंग है।
तो गाइज इस वीडियो का जो मकसद है वो यही था कि अगर आपको कोई डिलीवरी आ रही है माल्टा में या फिर यूरोप में, तो आपको उसके कस्टम चार्ज देने पड़ते हैं। अगर आपकी वैल्यू जो जैसे इंडिया से कोई सामान भेज रहा है 5,000 का या 10,000 का, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे उसके जो पैसे है वो कस्टम जो चार्ज है वो पड़ता है, वो आपके सामान के ऊपर चार्ज लगाते हैं। तो ये मैं सोचना कि अगर आप वहाँ से कुछ भी सामान भेज रहे हो तो आपको 6 ही यूरो पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपका सामान ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से आपको कस्टम चार्ज भी ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है मंगवाने के लिए वही आप मंगवाना, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मत मंगवाना जैसे कपड़ा या फिर कोई और चीज़, मतलब जो यहाँ पर मिल जाती हो 10-20 यूरो में मिलती हो, तो ऐसी चीज़ें वहाँ से आप इंडिया नेपाल पाकिस्तान से मत मंगवाना, आप वो चीज़ें यहीं पर ख़रीद लेना। इवन शूज़ वगैरह भी यहाँ पर ठीक पड़ जाते हैं, अगर आप डिलीवरी कराते हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी भाई चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।